बिजोगी कुल्लू में एक पहाड़ की चोटी पर स्थित छोटा सा गांव है। ये हिमाचल के उन कुछ गांवों में से एक है जिन्होंने अपनी सदियों पुरानी निर्माण शैली को बरकरार रखा है। पत्थर, मिट्टी और लकड़ी से बने इस साधारण दिखने वाले आवासों को हिमाचल प्रदेश में काठकुन्नी कहा जाता है। काठकुन्नी संरचनाएं इस क्षेत्र में लोकप्रिय थी क्योंकि वे पर्यावरण के अनुकूल है, ठंड से बचाती है और अपनी उच्च तन्यता शक्ति के कारण भूकंप से बचाती है। काठकुन्नी दो शब्दों से मिलकर बना है, काठ यानी कि लकड़ी और कुन्नी कोना। हालांकि स्पीति और कांगड़ा में भी पत्थर और मिट्टी से बने घर है। काठकुन्नी घर मध्य हिमालय बेल्ट में है जिसमें चंबा, मनाली, कुल्लू, शिमला और उत्तराखंड के कुछ हिस्से शामिल है। काठकुन्नी पारंपरिक निर्माण विधियों से संरचनात्मक रूप से भिन्न है। इसे ऊर्ध्वाधर स्तंभों की बजाय क्षैतिज बीम पर बनाया जाता है। क्रिस क्रॉस वेल्डिंग के माध्यम से एक संपूर्ण लकड़ी की संरचना का निर्माण किया जाता है, यहाँ तक कि जोड़ भी लकड़ी के बने होते हैं। कसकर पैक किए गए पत्थरों का वजन संरचना को स्थिरता प्रदान करता है जबकि लकड़ी के बीम लचीलापन प्रदान करते हैं। स्लेट टाइल्स का उपयोग छत बनाने के लिए किया जाता है, उनका वजन पूरी संरचना को नीचे की ओर दबाता है और इसकी स्थिरता को और बढ़ाता है। भूकंप के समय काठकुन्नी संरचना हिल सकती है लेकिन इसके ढहने की संभावना कम है। काठकुन्नी घर की सबसे बड़ी अहमियत यही है, फायदा जिसको बोलेंगे, कि भूकंप जैसी चीजें जब होती थी तो इसमें जो है काठकुन्नी का जो मकान है, काठकुन्नी का जो रूम बना हुआ है वो फटता नहीं था। भले ही पूरा घर टेढ़ा हो जाएगा मगर उसका कोई भी रूम फटेगा नहीं। हिमाचल में सर्दियां असहनीय होती है, इस दौरान कंक्रीट के घर अत्यधिक ठंडे हो जाते हैं और महंगी हीटिंग की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। काठकुन्नी घर उत्कृष्ट गर्मी इंसुलेशन प्रदान करते हैं। उनकी मोटी दीवारें गर्मी बनाए रखने में मदद करती है और मिट्टी का प्लास्टर हवा के मुक्त आवागमन की अनुमति देता है। जो काठकुना ना, आप दिन को पटो रात को पटो कभी आपको खा भी नहीं होगी। और मिट्टी की धुपाई सबसे अच्छा है, ठंड कभी नहीं लगेगी। आप नंगे पांव से चलो या आप बिल्कुल नंगे होकर बैठो, ठंड नहीं लगेगी। हिमाचल प्रदेश में काठकुन्नी संरचना धीरे धीरे लुप्त हो रही है। इसका कारण हिमाचल क्षेत्र में तेजी से हो रहा शहरीकरण और कंक्रीट जैसी सस्ती वैकल्पिक सामग्री की आसान उपलब्धता है। राहुल भूषण एक हिमालयी स्थानीय निवासी और CEPT के पूर्व छात्र काठकुन्नी संरचना को लाने की कोशिश कर रहे हैं। वही हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी के एक छोटे से शहर नगर में नॉर्थ नाम से संगठन चलाते हैं। नॉर्थ स्थानीय शिल्प कौशल को बढ़ावा देता है और राज्य की प्राचीन भवन परंपराओं को संरक्षित करता है। काठकुन्नी संरचनाएं बड़े पैमाने पर स्थानीय निवासियों द्वारा अन्य ग्रामीणों की मदद से हाथ से बनाई जाती है। फर्स्ट 3-4 ईयर्स ऑफ माई बैचलर्स कोई इतना एक ऐसा सेट टारगेट नहीं था काठकुन्नी के ऊपर, या फिर ऐसा भी नहीं था। आई वॉन्टेड टू मेक डायनेमिक आर्किटेक्चर, ज़ाहा हदीद, थॉमस हैदरविक सब देख रहे थे। वो हमारा एक होता है लेकिन लाइक आई वॉज काइंड ऑफ फीलिंग कि चलो कुछ वैसा करेंगे। एंड माई पेरेंट्स वो लाइक यार कुछ ऐसी बड़ी लंबी लंबी बिल्डिंगें बनाएगा, बट उसमें कभी घुसे ही नहीं, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं हुआ। तो आर्किटेक्चर में मेरा ऐसा मतलब वो माइंड ही शिफ्ट हो गया था कि जॉब तो मैं शायद कर ही नहीं सकता था कभी भी। For the reason that I was not fitting into that architecture world, you know, like I was not fitting into making that tall buildings. Somehow, abhi aaj bhi agar main design karne baithu, main nahi design kar sakta wo sab kuch. At the end, yehi realize.
रियलाइजेशन हुआ कि आई कैन डू जस्टिस टू माई होमलैंड ओनली. अगर मैं मान लो अगर इफ आई गो समवेयर एल्स, मेरे को वहाँ का नहीं पता यार, वहाँ का कल्चर नहीं पता, वहाँ के लोगों की हैबिट्स नहीं पता, तो मैं वहाँ जाके कुछ शायद नहीं कर पाता. मेरे को यहाँ आके वो जो एक अपने आप एक जिसको कहते हैं ना पुश मिल गया, वो यहाँ आके वापस मिला. एंड फॉर देट आई हैड टू लीव होम. मतलब मैं यहाँ से निकला तभी रियलाइजेशन हुई कि यार हमारे पास क्या है. तो मैं वापस आया नगर में, जैसे भी मेरा बना नगर में, मैंने आके अपना सेट स्टार्टअप वहाँ पे हो गया. मेरे को एक अच्छा स्टार्ट मिला. धीरे धीरे ओवर द दिस टाइम जब से मैंने नॉर्थ स्टार्ट किया, मेरे को बहुत अच्छे से, मतलब काफ़ी सही सही लोग मेरे साथ आके मिले. एंड आउट ऑफ नो वेयर, मतलब ऐसा भी नहीं था कि वी वर एक्सपेक्टिंग समबडी और नॉट, बट पीपल स्टार्टेड कमिंग इन. वी बेसिकली काइंड ऑफ केम टुगेदर एट एन आइडियोलॉजी लेवल. In one life, in line is inspiring a fulfilling way of living, you know. And then comes a second layer where, you know, we are taking the past, we are working in present and like doing something for the future, where it is about sustainable development as well. And we are fostering creativity, we are fostering artistic collaborations in this context where we are mixing it with our culture and context. Katkuni structures are largely made by hand by the local residents with the help of other village. तवो नाम से जाने वाला एक अनुभवी कारीगर निर्माण प्रक्रिया का नेतृत्व करता है. इन कारीगरों ने पीढ़ियों से लकड़ी और पत्थर से निर्माण का ज्ञान हासिल किया है. लोग जो है सब इकट्ठा होकर जाते थे जंगल में, जैसे पेड़ जैसे चुरान करना, फिर भी ढुरान करना, लोग इकट्ठा होकर हेल्प करते थे, फ्री में हेल्प करते थे. वो सिर्फ खाना देना उनके लिए. फिर हमारा जो माहौल है पहले का, ताकतवर लोग थे सारे जितने भी है, सब लोग जो मिल के सब जो है इस काम को करते थे. फिर आके जैसे कि जो हम बोलते था हुई घर बनाने वाला, काट कूड़े बनाने वाला, वो आते थे, फिर वो बनाते थे उन घरों को. 20-25-30 साल पहले ना, कम से कम मैं बोलता हूँ कि जल्दी से जल्दी करने वाले साल लग जाती थी इसके लिए. इसका मटेरियल कभी जैसे कि इसके स्लेट नहीं थी होते, इसका इंतजाम करना पड़ेगा, लकड़ी कम होती थी, पत्थर कम होते थे, तब लगता था लंबा टाइम. निकालने की भी दिक्कत होती थी ना, उजार नहीं थे मिलते. जैसे देखो ये जितने भी लकड़ी नहीं लगी हो, देखो ये जंगल में देखो है छोटी छोटी, तो ये चीजें एक एक ढूंढ के लानी. जंगल में जाना बिल्कुल सीधी चाहिए, तब ये काटनी तब लानी है, कई दिन लगते थे इनमें. अभी जो है अभी तो सब कुछ औजार है, आजकल बिजली से करो कुछ भी करो, बने बनाए औजार मिलते, फटोफट निकालो. This project in Jana. These people wanted to build like a, or again like tourism industry, so cottage, basically they wanted to create a hotel. So, but then we got to know that they already have a existing Katkuni house, which now it's abandoned. They have not been using it. They used to live there. What we saw as a potential there was to go and do some analysis of that house first, of what we can reclaim from it. And Katkuni mein acha, it's all like a Lego thing. So you can actually dismantle and you can like reuse that material again. So a lot of it, I think almost 40-45% of the material is from there then, and that's how also I think aaj ke context mein hum wo Katkuni ghar wapas bana paye, because we got like half of the material from already existing building. But we were able to reuse it is because it was made with a very conscious mindset, kyunki wo technique hi aisa hai ki you know you can extract from it even if it's like you know 100 years later wo बर्बाद भी हो चुका है तो भी तुम उसमें से निकाल पाओ. यहाँ
यहाँ पे 8-8 महीने बर्फ ही रहती थी, मतलब अगर थोड़ा पुराने टाइम में चले जाओ जबकि ये काटकुनी शैली है, तो जो नीड थी दैट वॉज अ स्ट्रॉन्ग शेल्टर, तो उस टाइम पे उस क्लाइमेट को रिस्पॉन्स करने के लिए ना ये आर्किटेक्चर बना। आज की डेट में हमारा क्या है एम, उस चीज को समझो पर करंट नीड्स में करंट कॉन्टेक्स्ट में उसको बिठाओ भी। हमको काटकुनी में बिल्कुल वैसा नहीं करना है, हमारे को मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, दज्जी दीवारी लगा सकते हैं, गारा पत्थर यूज कर सकते हैं, बैम्बू में दुनिया भर में रेवोल्यूशन चली है, व्हाई नॉट वी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट विद बैम्बू बीम्स एंड लाइक काइंड ऑफ सी इफ दैट काइंड ऑफ टेक्निक ऑफ हॉरिजॉन्टल लेइंग ऑफ बीम्स कैन बी वर्कड आउट विद बैम्बू एज वेल। चीप मटेरियल है, वेरी फास्ट ग्रोइंग है, तो हम लकड़ी से थोड़ा भार उठा पाएंगे। According to North, पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ हिमाचल के लिए काठकुनी वास्तुकला को संरक्षित और पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। यदि काठकुनी वास्तुकला और उसके कलाकार इतिहास में लुप्त हो जाएंगे तो पहाड़ों और उनमें रहने के तरीके का गहरा ज्ञान भी लुप्त हो जाएगा।